नमस्कार दर्शक मित्रों, हेल्थ प्लस के आज के कार्यक्रम में मैं नीतल शाह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हेल्थ प्लस कार्यक्रम दर्शकों आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए है और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है। आजकल के फास्ट ज़माने में बहुत सी लाइफ फास्ट हो गई है, इंसान बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका है एंड we are also facing the same amount of fast problems in our life. और उसके साथ ही हमारा जो presentation है वो भी बहुत ही fast हो गया है. Today everything depends upon how you present yourself and for that it is very important for you to look beautiful, to stay healthy and to feel beautiful. और इसी टॉपिक को लेके आज हमारे साथ यहाँ पे पधारे हैं डॉक्टर जगदीश साखिया जी। तो जगदीश जी, तहे दिल से स्वागत है ऑन दिव्यांग न्यूज चैनल ऑन हेल्थ प्लस कार्यक्रम। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर जगदीश साखिया, ही इज अ एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 11,000 डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स एंड दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन इन द होल वर्ल्ड। ही इज ऑल्सो हैविंग लार्जेस्ट चेन ऑफ क्लिनिक्स नेम्ड सखिया क्लिनिक, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, और इनके 17 क्लिनिक्स है ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग सूरत, गुजरात, बैंगलोर, बॉम्बे एंड लॉट्स ऑफ अदर प्लेसेस इन इंडिया। ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ अमेरिकन डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन सिंस द पास्ट 10 ईयर्स। ही इज हैविंग मोर देन अ टोटल ऑफ 5 लाख patients who are satisfied patients and that's a really huge number. Jagdish ji, आपका first of all तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने 5 लाख लोगों को इतना खुश किया है, इतना beautiful बनाया है and 5 लाख people are living a happy life because of you. So once again welcome to Health Plus channel. So Jagdish ji, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप के क्लिनिक पे आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इतने सारे आपके सक्सेसफुल क्लिनिक्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि आपके यहाँ क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। मैंने सबसे पहले मेरी क्लिनिक 1998 में चालू किया था, आज से 20 साल पहले। तब मैं सिर्फ डर्मेटोलॉजी देखता था। डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, एक्जिमा, फंगल, सोरायसिस, एलर्जी, तजा गर्मी, वो सारे डिसीज होते हैं। तो धीरे धीरे पता चला कि जो टीनेजर से, यंग जनरेशन से जो एडल्ट है उसको पिंपल्स, हेयर फॉल, अनवांटेड हेयर जैसी काफ़ी बीमारी है, ऐसी है कि इससे उसकी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, उसको डिप्रेशन आता है, कभी कभी किसी को सुसाइडल टेंडेंसी होता है। हमें लगता है कि पिंपल्स बहुत छोटा प्रॉब्लम है, स्कार, पर इसके लिए हमने देखा कि डाइवर्स होना देखा है। पेशेंट को अच्छी पसंदगी वाला कोई जीवन साथी नहीं मिलता होता, कोई जॉब नहीं मिलती, ऐसा छोटा छोटा काफ़ी प्रॉब्लम देखा। तब हमारे पास 20 साल पहले कोई सोल्यूशन नहीं था क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी, मशीनरी कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे मैं 40 कंट्री घूमा और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस से देख के भी इंडियन पेशेंट के लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो फिर मैंने कॉस्मेटिक वाला डिवीज़न चलाया। वैसे कॉस्मेटिक तो पहले क्या सेलिब्रिटी के लिए था कि भाई अफोर्डिंग क्लास ही इसको यूज़ करते, अभी इसको नीड बन गई है। तो फिर मैंने लेज़र, एस्थेटिक ट्रीटमेंट लाइक बोटोक्स, फिलर, थ्रेड लिप, वो सब किया। फिर डर्मेटो सर्जरी, काफ़ी चीज़ें सफ़ेद डाग गए थे, वाइट स्पॉट नहीं मिटते दवाई से, तो फिर इसमें सर्जरी की ज़रूरत है। हेयर ट्रांसप्लांट होता है, किसी को मोल्ड रिमूव करना होता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर हमने डर्मेटो सर्जरी डेवलप किया। फिर एस्थेटिक में बहुत आगे PRP जैसी ट्रीटमेंट, मीजोथेरापी जैसी ट्रीटमेंट्स, क्लोरोथेरापी है, क्रायोथेरापी है, तो वो सब थेरापी हमने डेवलप किया। और लास्ट में प्लास्टिक सर्जरी, तो प्लास्टिक शरीर में मेनली किसी को लाइपोसक्शन, अनवांटेड फैट जो चाहिए, जो डाइटिंग एक्सरसाइज से नहीं होती, तो फैट रिमूव कर देते हैं। इसका जो डिंपल क्रिएशन बोलते हैं, कोई बोलेगा हमें डिंपल बनाना है तो डिंपल बढ़ते, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, रिडक्शन है, वो काफ़ी ऐसी सर्जरी है कि वो पहले बॉम्बे मेट्रो सिटी में होती थी और एब्रॉड में लोग जाके करवाते थे, तो अभी हो। तो हमने टोटल 5 डिवीज़न सखिया क्लिनिक में डेवलप किया, एक डर्मेटोलॉजी, डर्मेटो सर्जरी, एस्थेटिक, लेजर एंड प्लास्टिक सर्जरी। That is really interesting to know, Jagdish ji. Basically, मतलब अभी आपको आपके बॉडी में
कोई भी चेंज करना है पॉसिबल है. डोंट गेट डिप्रेस, डोंट गेट नर्वस, जस्ट गो टू अ गुड डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड एंड बी ब्यूटिफुल. तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके क्लिनिक पर बहुत सारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, एवरीथिंग इज बेसिकली पॉसिबल, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि एकदम से नया वाला प्रॉब्लम है, स्किन पे कोई दाग पड़ा है तो ही रिजॉल्व होता है, किसी को 10 साल से सपोज के कोई दाग है और निकालना है, तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है? अभी तो ये साइंस इतना आगे बढ़ गया, पहले हमारे स्किन डिसीज में क्या होता है कि 95% की कोई ट्रीटमेंट ही नहीं थी, सिर्फ 5% जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल फंगल वायरल वही ठीक कर सकते हैं. काफ़ी जेनेटिक कंडीशन है, काफ़ी ऑटोइम्यून कंडीशन है, वो हम ठीक नहीं करते. तो अभी इतनी दवाई, इतना मशीनरी वो सब आया, अगर पेशेंट जो चाहे अभी पॉसिबल है. वो पेशेंट बोले कि मुझे विटिलिगो निकालना है, वो बोले मुझे पिगमेंटेशन निकालना है. कोई कोई डिसीज़ ठीक कर सकते हैं, कोई कोई डिसीज़ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कोई कोई डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते. कुछ तो हमारे पास सॉल्यूशन है पेशेंट को कुछ न कुछ देने के लिए. तो अभी हमारे पास कॉमनली 5 प्रॉब्लम के लिए आता है पेशेंट, जो एस्थेटिक बोलते हैं कि हमारे पिंपल्स, पिंपल्स के स्कार और उसका पिगमेंटेशन, तो वो कॉमनली आता है जो टीनेजर यंग एज आता है. फिर धीरे धीरे जैसे बड़ी उम्र होती है तो पिगमेंटेशन के लिए आता है, इससे भी 40+ होता है तो एंटी एजिंग के लिए, भाई रिंकल्स है, फोटो एजिंग है, डल स्किन है, लेग्जिटी है, स्किन लूज हो गई है, मीन्स एज उसकी 40 है और दिखते 50 का, ताकि इसमें डाइट होता है, पॉल्यूशन होता है, स्ट्रेस होता है, अल्ट्रावायलेट रेस होता है, वो सब इकट्ठे होके होके पेशेंट को कभी कभी प्रीमेच्योर एजिंग होता है. तो वो भी हम सॉल्यूशन लाते हैं. हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ता जाता है, वो भी क्योंकि हॉर्मोन्स चेंज हो रहा है, डाइट पैटर्न चेंज हो जाए, स्ट्रेस लेवल चेंज हो जा रहा है, और एकदम फास्ट से बाल भी फास्ट ग्रो मीन्स फॉलिंग हो रहा है. तो ये हेयर फॉल, हेयर ट्रांसप्लांट, ये भी हमारे पास कॉमन आता है. अनवांटेड फैट, मेल भी हमारे पेशेंट, मेल को जो गायनेकोमास्टिया बोलते हैं कि मेल ब्रेस्ट होता है, तो वो कॉमनली रिमूव करवाने के लिए आता है. और एक्जिमा जो होता है कि जो विंटर में एक्जिमा होता है, तो एक्जिमा के लिए भी आते हैं. फंगल इन्फेक्शन, अभी फंगल इन्फेक्शन इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में तो बहुत फंगल होता है, क्योंकि हाँ. साथ में रहना, शेयर करना कपड़े, और हाइजीन थोड़ा मैनेज, हाइजीनिक प्रॉब्लम्स रहते ही है जहाँ पे वर्क कंडीशन इज नॉट सो गुड. और मेडिकल से डायरेक्ट क्रीम लेके स्टीरॉयड वाली क्रीम लगाते हैं तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, पर जैसे वो ट्यूब बनकर एक दुगना हो जाता है. तो खास जो स्टेरॉयड वाली क्रीम डायरेक्ट मेडिकल से नहीं परचेज करें, और एक दूसरे को क्रीम दवाई शेयर नहीं करें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये दवाई दूसरे के लिए नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है. एंड स्पेशली आपके इन्फेक्शन वाली चीज़ अगर आप शेयर करेंगे तो यू आर इवन शेयरिंग योर इन्फेक्शन. तो हाँ, ये चीज़ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना पूरा हेल्थ बिगाड़ रहे हैं. जैसा आपने बताया, ये सारी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, एंटी एजिंग है, प्रीमेच्योर एजिंग है, लेज़र है. तो सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन किसी के भी माइंड में आता है वो ये रहता है कि इन सब से कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? यस, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जब शुरू में जब हमने टेक्नोलॉजी लाए 20 साल पहले, तो ये सब गोरो लोगों के लिए बनी, मिस फेयर स्किन के लिए बनी थी. जैसे हमने वो हमारी इंडियन स्किन जो हमारी थोड़ी डार्क होती है तो यूज़ किया तो काफ़ी प्रॉब्लम आया. धीरे धीरे समझ में आया कि जो वो लोगों ने जो बुक में लिखा है वो हम इंडियन पेशेंट को नहीं दे सकते. तो इसमें डेवलपमेंट करके, क्योंकि अमेरिका में 30% तो डार्क स्किन है, तो वो लोगों को भी प्रॉब्लम आया क्योंकि ये फेयर स्किन वाले के लिए लेज़र है, डार्क स्किन वाले तो कर ही नहीं सकता. पर अभी अभी 5th generation 6th generation जो लेज़र आया और हमारा एक्सपीरियंस इसमें ऐड होता गया, और मशीन FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए ताकि वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. काफ़ी हेयर रिमूवल मशीन अब FDA अप्रूव लेने जाओ तो वो 40 लाख का आसपास आता है, और चाइनीज़ मशीन जो आता है 1.5 लाख का आता है. तो कभी कभी पेशेंट वो सस्ताई के चक्कर में करने जाए तो इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, किसी का स्पॉट पड़ जाता है, स्कारिंग पड़ जाए. डर्मेटोलॉजी अगर करे तो इसमें क्या, वो आपको सॉल्यूशन भी दे सकता है. पर जब क्वेकरी बोलते हैं ना कि जिसको डिग्री नहीं होती है, वो इंडिया में तो कोई रूल्स रेगुलेशन है, पार्लर में भी हो सकता है, सैलून में भी हो सकता है. तो या माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो दैट कि ये ट्रीटमेंट्स जो है वो किसके पास करवानी चाहिए, कैसे डॉक्टर सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाट शुड वी सी कि कौन सी मशीन है, क्या है, कुछ उसमें सर्टिफिकेशन या ऐसा कुछ स्पेशल कुछ देखना चाहिए हमारे वो सारे ऑडियंस जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कैसे सिलेक्ट करें एक अच्छा डॉक्टर.
सबसे पहले कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना है तो तीन चीज़ दिमाग में रखना है। जब भी आप जाए तो वो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चाहिए, भाई MD है, DVD है, DNB है, CPS है, मीन्स वो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए कि इसका वो, क्योंकि क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को 5 साल MBBS करना पड़ता है, फिर 2 से 3 साल तो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, मीन्स 8 से 10 साल का उसको पढ़ाई का एक्सपीरियंस होता है। और वो क्षेत्र में कभी कभी कोई होम्योपैथिक आयुर्वेदिक लोग ये लेजर और एस्थेटिक ट्रीटमेंट उसको उसके पढ़ाई करिकुलम में पढ़ाई आता नहीं है, वो 6 महीना 1 साल का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करके डिग्री लेके ट्रीटमेंट करते हैं। और भारत में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई भी इम्पोर्ट कर सकता है मशीन, कोई भी बेच सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो गवर्नमेंट को भी हमने काफ़ी लिखा है कि आप कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाओ। तो तीन चीज़ें कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्टर का जो यूज़ करते हैं वो मशीन, भाई कौन, आप पेशेंट कभी पूछते नहीं कि भाई आपका हेयर रिमूवल डिवाइस है वो कहाँ का है, मेड इन कहाँ का है, इसका आपके पास क्या बोलते हैं लाइसेंस है, लाइसेंस है, FDA अप्रूव्ड सर्टिफिकेट कुछ है कि नहीं, इससे FDA अप्रूव्ड से आपको एफिकेसी नहीं देते, वो आपको सेफ्टी देता है। FDA अप्रूव है और आपको रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट देता है, मानो कि आज लिया तो 5 साल के बाद वो सेम रिजल्ट देगा। जब चाइनीज मशीन जो आता है वो आज दिया कल दूसरा रिजल्ट दिया, 3 साल के बाद दूसरा, इसमें ऑटो कैलिब्रेशन नहीं है, वो नहीं है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस, वो डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है। कभी कभी क्या है कि ट्रेनिंग नहीं ली और सीधा पास होके सीधा लेजर चालू कर दिया और उसका कोई ट्रेनिंग नहीं लिया तो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पेशेंट को खास ध्यान रखना कि कभी कभी सस्ताई के चक्कर में वो नहीं पढ़ना, हो सके आप इसको स्वीकार कर लो, प्रॉब्लम को ठीक नहीं करो, जब ठीक करो तो ये चीज़ डिग्री, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तीन मैटर करता है सक्सेसफुल आउटकम के लिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम के लिए। That's a very very good thing that you have given. तीन चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, एक तो आपको चेक करना है डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, सेकंड मशीन का अप्रूवल या जो भी उसका FDA अप्रूव्ड है कि नहीं, एंड थर्ड इज कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस लेवल कितना है। टू बी सेफ इट इज बेटर, इससे अच्छा अगर ये सब कुछ चीज़ें आप चेक नहीं करोगे और आपके जो रिजल्ट्स है वो बिगड़ जाए, इससे अच्छा ये है कि आप कराए ही नहीं, क्योंकि सेफ्टी इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट डॉक्टर? यस यस, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन किसी भी हो सके, ऐसा नहीं कि 100% सेफ है, पर जिसको नॉलेज है तो वो कॉम्प्लिकेशन ठीक भी कर सकता है। अदरवाइज कभी कभी आपने ऐसी जगह किया तो वो कॉम्प्लिकेशन भी ठीक नहीं होता तो आप लाइफ टाइम उससे लेके घूमना पड़ जाएगा। हाँ, तो चीज़ें बिगड़ सकती है अगर डॉक्टर सही नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, और एक क्वेश्चन जो मैं आपसे और हम सब जानना चाहेंगे वो है, हम सब मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, एंड दे ऑलवेज लुक पिक्चर परफेक्ट। यस, एक भी मार्क नहीं होता है स्किन पे, बाल भी एकदम अच्छे सेट किए होते हैं, तो ऐसा पिक्चर परफेक्ट फेस और पिक्चर परफेक्ट हेयर एंड बॉडी रखने के लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, और उसके लिए हम भी क्या सेलिब्रिटी जितने ब्यूटीफुल हो सकते हैं? ग्रेट नीतल, ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सेलिब्रिटी जैसी स्किन हमारी क्यों नहीं हो सकती है। हो सकती है, मेजोरिटी जो वो लोग अच्छे दिखते हैं तो वो थोड़ा मेकअप और एस्थेटिक वो जो ज़रूर होता है, पर आप बिना मेकअप भी अच्छी स्किन बना सकते हैं। इसके लिए अभी इम्पॉसिबल चीज़ है ही नहीं, आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी मशीनरी, इतनी सारा मटेरियल प्रोसीजर आ गया कि आप चाह सकते। कोई भी अच्छी स्किन के लिए क्या चाहिए, बोलें कि भाई मुझे आपकी जो स्किन का 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड नीचे सबक्यू फैट होता है, इसके नीचे मसल होता है और नीचे फिर बोन होता है। आपकी जितनी एपिडर्मिस थिन और आपकी डर्मिस थिक, आपकी स्किन एक्सेलेंट, काफ़ी आप देखो ना एकदम शाइनी स्किन। स्किन में टोटल 4 चीज़ आती है, एक वाटर, आपका वाटर कंटेंट कितना है वो इम्पोर्टेंट, आपका मॉइस्चर अंदर कितना है, कभी किसी का स्किन में एकदम वो ऑयली बनता ही नहीं होता, एकदम ड्राई रहता है, वाटर कम होना, ऑयल कम होना, फिर हीमोग्लोबिन कम होना, कभी लोगों के एकदम गोरे होते हैं पर हीमोग्लोबिन कम होते तो एकदम फिक्के लगते हैं, समझ। तो तीसरा होता है हीमोग्लोबिन और चौथा होता है मेलानिन। मेलानिन क्या होता है कि इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं, वो गॉड गिफ्ट होता है। गोरे लोगों के वहाँ जन्म लेना, काले लोगों के वहाँ जन्म लेना, वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। वो इसने बोला ना माइक्रोसॉफ्ट का जो चेयरमैन बिल गेट, उसने ऐसे बोला कि गरीब के घर में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है, पर गरीब मरना वो फिर एक गंभीर जुलम है।
सेम इसमें लगेगा। आपकी स्किन आप बर्थ टाइम काले हो गोरे हो इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता है, पर बाद में आपको स्किन कैसे मेंटेन करते हो, कलर जो भी है वो कलर में आप अच्छे दिखने चाहिए। तो अच्छे दिखने के लिए आपको दिन में 3 से 4 लीटर ये पानी पीना चाहिए, वो कंपलसरी है, क्योंकि आपकी बॉडी 80% पानी से बनी है। लोग पानी को एकदम फ्री है, पर सबसे निगलेक्टेड पार्ट होता है वो पानी है। और पानी हमें तो पेशेंट को हर एक पेशेंट को बोलते रहते हैं कि अगर आपने पानी नहीं पिया तो समझ लो कि आप स्किन चाहे कितना भी ट्रीटमेंट में खर्चा करो आपकी स्किन कभी, आपको बार बार हमारे पास आना पड़ेगा। लोगों दो लोग होते हैं, एक क्या करते कोई केयर नहीं करते, बस ट्रीटमेंट लेते रहते हर महीने आके रहे। दूसरा लोग होता है कि बेसिक ट्रीटमेंट लेके फिर मेंटेन करते हैं, जो होम केयर जो मेडिकेशन है क्रीम से, और मेन इसकी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ये सब सेलिब्रिटी डेली एक्सरसाइज करती है, वो हम नहीं करते हैं। और हम क्या सबसे पहले जो बहुत काम आया तो एक्सरसाइज का सबसे पहले हम भोग देते हैं कि भाई आज गेस्ट आया, आज तो एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं, आज मूवी देखा रात को तो फिर सुबह सुबह नहीं उठ पाएंगे। यस, तो वो लोग कभी नहीं करते फिट फिटनेस, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करते हो ना तो आपका ब्लड घूमता है, तो आपका हीमोग्लोबिन जो भी न्यूट्रिएंट आप जो भी खाते हो ब्लड सप्लाई के थ्रू आपकी स्किन में जाता है ना, तो स्किन अच्छी करेगी। एक्सरसाइज कंपलसरी है। आपके स्किन में जो डाइट है आप जो खाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन वो 30-30% होना चाहिए, और 10% में आपका विटामिन्स मिनरल्स आयन वो सब ट्रेस एलिमेंट होना चाहिए। तो अभी हम कभी क्या एक दिन में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, एक दिन काफ़ी प्रोटीन खा लेते हैं, एक दिन सिर्फ फैट ही फैट होता है, अनबैलेंस होता है। तो सेकंड होता है डाइट का रोल। थर्ड होता है आपकी स्किन का, आप जो यूज़ करते हो ना कि आपका सनस्क्रीन आपका फेस वॉश आपका डे क्रीम आपका नाइट क्रीम वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप चूज़ करते हो अपने हिसाब से, टीवी में ऐड देखते हो, कोई फ्रेंड ने क्या सजेस्ट किया है, मेडिकल स्टोर में डायरेक्ट लेते हो, जो आप डेली जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सनस्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन भी तीन तीन टाइप का आता है, ऑयली स्किन का अलग होता है, ड्राई स्किन का अलग होता है, सेंसिटिव स्किन का अलग होता है, कोई सीजनल होता है, कोई किसी को विंटर में ड्राई होती है तो समर में ऑयली स्किन होते हैं, तो सनस्क्रीन अलग होता है। क्रीम बेस आता है, एक जेल बेस आता है, और एक जो बोलना फॉरेन में स्प्रे बेस भी आ जाता है। जब वाइड एरिया में वो लोग क्या ट्रेनिंग बेड में सन बाथ लेते हैं, तो कभी कभी सन बाथ के बाद, क्योंकि सन बाथ तो 30-40 मिनट रहते हैं, इसके बाद वो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्प्रे बेस आता है। तो जेल बेस किसको चाहिए, जिसकी स्किन ऑयली है उसको जेल बेस वाला सनस्क्रीन चाहिए, जिसकी स्किन ड्राई होती है उसको क्रीम बेस वाला सनस्क्रीन पसंद करना चाहिए, और SPF एटलीस्ट 30+ होना चाहिए, और इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है वाटर, फिर आपका आता है डाइट, थोड़ा आता है डेली आपका जो एक्सरसाइज होता है ये, और पांचवा जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है रिलैक्सेशन। काम 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 इतना भी नहीं करना चाहिए कि पहले मैं भी करता था, मैं 12-13 घंटा काम करता, धीरे धीरे पता चला कि जो जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो आप उसका तो ध्यान ही नहीं रखते, जो काम तो यही दे रहा है शरीर, तो शरीर हम सबसे लास्ट में देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बीबी का हस्बैंड का समझो बच्चे का जॉब का एम्प्लॉय का, पर बॉडी जो जिससे आप काम करें इसका कोई ध्यान नहीं रखे। तो आपको डेली खुद के शरीर के लिए 1 घंटा देने का, जिसने जिसने नहीं दिया है उस आप देखो 60 ईयर के एज में आप काफ़ी लोग देखो को बार बार बीमार पड़ते हैं। 60 ईयर के 10 लोगों को आप देखो ना 60 साल का, तो 10 का हेल्थ अलग अलग होता है, कोई BP की गोली रहता है, कोई डायबिटीज़ की गोली, किसी का जॉइंट पेन होता है, किसी को बाईपास हो गई है, किसी को अटैक आया समझो, किसी को मोतिया आया, किसी को टकलू हो गया, समझिए। तो हरेक की आप पास्ट देखो ना, तो वो पास्ट ही है उसका, मीन्स पास्ट में जो कर्म कांड किया है ना उसका ही फल है। आपने कभी खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया जो आपको जो करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल का कभी ध्यान नहीं, तो इसीलिए आपको आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ FD रखते हैं, आप यहाँ रखते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको हॉस्पिटल से दूर रहना है, आपको डॉक्टर से दूर रहना है, बीमारी से दूर रहना है, तो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव जरूर करनी चाहिए। That's really wonderful. नीतल जी ऐसा है कि ये जो सेलिब्रिटी के लिए वो लोग हमारे पास अक्सर, मेरी बॉम्बे में 3 ब्रांचें अंधेरी वर्ली एंड बांद्रा, तो वो लोग बोटॉक्स के लिए आते हैं, जो रिंकल्स बोलते हैं वो डायनेमिक लाइन के लिए, फिलर के लिए आते हैं कि जो एज के साथ जो थोड़ा स्किन सेगिंग हो जाता है तो वो भरने के लिए, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी टाइटनिंग होता है कि जो RF बोलते हैं ऑल ओवर स्किन के लिए,
फिर थ्रेड लिप, वो जो धागा आता है ना थ्रेड लिप, वो अंदर धागा डाल के यहाँ उसको लिप करता है। अच्छा। तो थ्रेड लिप के लिए आते हैं, फिर फेशियल जो आता है मेडिकल फेशियल इसके लिए आते हैं, फिर स्किन टाइटनिंग के लिए आते हैं जिसको बोलते हैं हाइफू, HIFU हाई इंटेंस फोकल अल्ट्रासाउंड। अच्छा। फिर लाइपोसक्शन के लिए आता है, कभी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए, और काफी ऐसी चीज के लिए कि जो, तो ये सारा वो सेलिब्रिटीज, दिस इज हाउ द सेलिब्रिटीज गेट अ परफेक्ट लुक। आप भी करवा सकते हैं, आपके पास भी बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो आप भी खूबसूरत दिख सकते हैं जस्ट लाइक द सेलिब्रिटीज। जैसे डॉक्टर साखिया जी ने ऑलरेडी बताया है कि ये सारी ट्रीटमेंट सेलिब्रिटी ने ली है जिससे वो लोग ब्यूटिफुल दिख रहे हैं। देर आर नेचुरल एलिमेंट्स एज वेल एज देर आर सर्टन artificial elements which makes you look beautiful. Sir, आपने जैसे बताया आपके 5000 plus NRI members है, NRI patients है, तो इतने सारे satisfied patients आप कैसे maintain करते हैं? एक तो मैं मेरी जात को अपडेट करता हूँ, नया नया टेक्नोलॉजी आता हूँ, मैं US 12 बार जा चुका हूँ, तो सब मैंने देखा लोग क्या करते हैं। और ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट वहाँ बहुत महंगी है, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। तो बोटोक्स फिलर जो होता है कि वे क्या बोलते हैं कि लंच टाइम प्रोसीजर, एक घंटे की प्रोसीजर, इसके लिए इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं होती। तो काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि वो एकदम चीपर है, मानो को यहाँ हम क्यू स्विच जो पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट करते हैं वो 4000 की होती है, और यही चीज़ US में करें तो $1200 की होती है। अच्छा। तो ये 10 times ज़्यादा जो एक्सपेंस होता है, और वो रिजल्ट हमारे जैसा नहीं दे सकते क्योंकि हम हमारी स्किन को जानते हैं। वो गोरे लोगों को एक्सेलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पर हमारी स्किन के पैसा खटने के बाद भी वो जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिले। सो बेसिकली इट इज़ द एक्सपीरियंस दैट यू हैव गॉट by visiting abroad to lot of countries, आपने हमारे इंडियन स्किन के ऊपर जो काम किया है और आपने इतना सारा रिसर्च जो किया है, उसके लिए सर मैं आपको ऑल ओवर इंडिया के सारे इंडियंस की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बेसिकली डर्मेटोलॉजी को एक नए लेवल पे पहुँचाया है, टेक्निकली अपग्रेड किया है इंडियन डर्मेटोलॉजी को। और सही में आई वुड लाइक टू से कि हाँ, डर्मेटोलॉजी इन इंडिया इज समथिंग वर्थ वाइल एंड वी शुड गो फॉर इट एंड वी शुड मेक आर सेल्फ्स कम आउट ऑफ द डिप्रेशन एंड लुक ब्यूटिफुल। थैंक यू वेरी मच जगदीश जी, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे हमारे दिव्यांग न्यूज चैनल पे आए हैं, और इस जो आपने ये सारे हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शकों को जो टिप्स दी है खूबसूरत रहने के लिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही बहुत सारे टिप्स लेके हम आगे भी फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।